Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस मिनट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नाथुला एवलांच और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई डू एवलांच अकर इन माउंटेनियस रीजन सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाई इट इन न्यूज आखिरी नाथुला एवलांच न्यूज में क्यों है पहले जरा उसको समझते हैं देखिए रिसेंटली सेवन टूरिस्ट वर किल्ड एंड ए डजन इंजर्ड आफ्टर एन एवलांच स्ट्रक द गैंगटोक नाथुला रोड इन सिक्किम मीन्स हाल ही में सिक्किम नाथुला रोड पर हिमस्खलन होने से सेवन टूरिस्ट की डेथ हो चुकी है एंड एक दर्जन से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे नाथुला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाट इज एन एवलांच आखिर हिमस्खलन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे एंड लास्टली वी विल डिस्कस वाई डू एवलांच अकर इन माउंटेनियस रीजन पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन क्यों होता है इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नाथुला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं देखिए अगर नाथुला की बात करें नाथुला क्या है सो so, नाथुला इज ए माउंटेन पास इन द हिमालयन पीक सिचुएटेड ऑन द इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फिट अब सी लेवल यहाँ पर है ये मैप में आप देख सकते हैं मीन्स ना कहा है? है है। नाथुला कहाँ सिक्किम में सिचुएटेड है मींस नाथुला इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर सिचुएटेड है सी लेवल से इसकी हाइट की बात करें तो ये हाइट है फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी फीट एंड एक माउंटेन पास है मीन्स क्या है नाथुला एक दर्रा है ये पॉइंट हम याद रखेंगे एक पास है मीन्स एक दर्रा है जहाँ से इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड भी होता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड होता है एंड इसी पास के थ्रू कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे अगर नाथुला के लिटरल मीनिंग की बात करें तो नाथू मीन्स होता है लिस्टिंग ईयर्स एंड ला का मीन्स होता है पास मीन्स सुनने वाले कान कुछ ऐसा बोल सकते हो आप तो आगे बढ़ते हैं जरा आप एवलान्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर एवलांश क्या होता है देखिए अगर एवलांश की बात करें सो so, एवलांच आर ह्यूज मास ऑफ स्नो आइस रॉक्स दैट फॉल रेपिडली डाउन टू माउंटेन स्लोप मीन्स एन एवलांज इज ए नेचुरल डिजास्टर दैट अकर वेन स्नो रेपिडली फ्लो डाउन ए माउंटेन आप ऐसे समझिए कि हिमस्खलन क्या है एक प्राकृतिक आपदा होती है एंड ये तब होती है जब ह्यूज मास में स्नो तेज़ी से पहाड़ से नीचे की ओर गिरने लगता है उसी को हम एवलांच और हिमस्खलन कहते हैं कुछ इस तरह का होता है आप इमेज में देख सकते हैं एंड ये एवलांच अगर हम बात करते हैं तो जनरली हाई माउंटेन पीक एरिया में होते हैं एंड जनरली जो लो लेटीट्यूड एरिया माउंटेन हैं लाइक अगर हम बात करें रॉकी हो गया हिमालय हो गए आल्प्स हो गया एटलस हो गया किर्थर हो गया यहाँ पर जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है एंड रेयरली ही जो आर्कटिक या अंटार्कटिक वाला एरिया है वहाँ पर एवलांच देखने को मिलता है तो क्यों होता है डिटेल में ऑलरेडी जियोग्राफी में हमने डिस्कस किया है देखिए अगर एवलांच की अगर हम बात करें कि किस सीज़न में होता है तो एवलांज जनरली विंटर और स्प्रिंग सीजन में होता है ये पॉइंट याद रखेंगे विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में विंटर में क्यों होता है क्योंकि विंटर में स्नोफॉल ज़्यादा होती है एंड स्नो की थिकनेस बढ़ जाती है जिससे एवलांच क्रिएट होता है एंड सम टाइम ये जो एवलांच है स्प्रिंग सीजन में भी होता है स्प्रिंग सीजन में होने के कारण क्या होता है कभी कभी लेट से स्नोफॉल होती है एंड बहुत सारे एक साथ हम देखेंगे यहाँ लेवर्स ऑफ जो स्नो होते हैं ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होते हैं तो वहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलता है तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाई डू एवलांच अकर इन माउंटेन रीजन पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन क्यों होता है इन सारी बातों को ज़रा समझते देखिए अगर बात करें कॉजेज ऑफ एवलांच को समझें तो डू अकर नेचुरली बट समटाइम्स ह्यूमन ट्रिगर्ट इट बाई डूइंग क्लाइंबिंग एंड स्नो मोबलिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके कारण कभी कभी ह्यूमन भी इसे ट्रिगर्ट कर देता है माउंटेन एरिया में क्या होता है कि माउंटेन एरिया में एवलांश होने का सबसे बड़ा कारण होता है इस एरिया में लार्ज स्केल पर स्नोफॉल होना स्नोफॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली एवलांच नहीं होगा तो इस एरिया में जो लार्ज स्केल में स्नोफॉल होता है जिसके कारण लेयर्स ऑफ स्नो जमा हो जाते हैं एंड स्टीप स्लोप के कारण एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये तेज़ी से कभी कभी नीचे की ओर गिर जाते हैं एंड एवलांज कब होगा जब स्नो पैक जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे स्नो पैक क्रिएट हो चुके हैं एंड ये स्नो पैक अनस्टेबल हो जाता है अनस्टेबल होने का कारण क्या हो सकता है स्टीप स्लोप हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है इसके कारण ये नीचे की ओर तेज़ी से गिरने लगता है एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अगर हम बात करें तो एवलांच की स्पीड मैक्सिमम थ्री किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है मीन साफ समझिए कितना फास्टली नीचे की तरफ आ सकता है और सारे बहुत सारे रीजन अगर हम बात करें तो एक्सेसिव रेनफॉल हो गया अर्थक्वेक हो गया रॉकफॉल हो गया आइसफॉल हो गया माउंटेन एरिया में विला के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं समटाइम मेटामॉर्फिक चेंज भी इसके लिए रिस्पॉसिबल हो सकता है बहुत सारे कारण होते हैं तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग